हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इन्फॉर्मेटिव चैनल में। चलिए आज हम एक चीज़ खास चीज़ आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अभी अगर आप एक फ़ोन परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, आपका बजट 20 to 25,000 के बीच में है और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कौन सा मोबाइल खरीदूँ, उसका कैमरा कैसे है, कौन सा क्वालिटी लूँ, रैम कितना है, मेमोरी कितना है, सारे सवालों के क्वेश्चन एक वीडियो में खत्म होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करके शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा ये बॉक्स। आप बॉक्स देख के समझ गए हैं कहाँ से मैं इसे परचेस किया हूँ। तो ज़्यादा लेट नहीं करके इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ आपको, अगर अभी आप कहीं ऑनलाइन से कुछ परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से, ये बॉक्स है ओपन किया हुआ है, क्योंकि अभी जो डिलीवरी पर्सन रहते हैं वो आपको बॉक्स आपके सामने ओपन करके जो भी कंटेंट है अंदर में वो आपको चेक करके देते हैं। तो इसलिए ये बॉक्स पहले से ओपन किया हुआ है, इसलिए हम इसे अभी साइड में कर देते हैं। और ये रहा मेरा मेन प्रोडक्ट, ओके वाह। तो चलिए इसे भी अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा जो मेन प्रोडक्ट है, ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन पोको X5 Pro 5G। कैसा लगा? देखने में तो काफ़ी लुक वाइज बहुत ही काफ़ी अच्छा स्टाइलिश है, हैंडसम लुक है। वेट का बात करें, ज़्यादा वेट नहीं है, हैंडी है। अगर आप इसे एक हाथ में यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। चलिए और देखते हैं इसके अंदर में आपको क्या कंपनी प्रोवाइड करते हैं बॉक्स के अंदर। चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर, इसे भी हम साइड में करते हैं। ये कुछ मिलते हैं आपको कंपनी का जो भी है, टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ डिटेल्स वगैरह है, ज़रूरत है नहीं इसको, तो साइड में करते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो लग रहा है कि मुझे ये एक बैक कवर मिला हुआ है। जी हाँ, वाह अच्छा है बैक कवर दिया हुआ, सिलिकॉन कवर है, वाइट में आता है। जो अगर आप इसे कवर करते हैं तो आपका फ़ोन का जो ओरिजिनल कलर है इसे बरकरार रखता है। तो चलिए, कवर तो अच्छा है लुक वाइज, फिलहाल तो अभी इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं दूसरा क्या मिलता है आपको। साथ में आपको आते हैं ये 67 वाट का एक चार्जर दिया गया, फास्ट चार्जिंग है 67 वाट, ओके इसे भी साइड में करते हैं। इसके बाद साथ में देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। दोस्तों आपको मिलता है USB Type-C केबल आपको मिलता है, जो कि चार्जिंग केबल एंड डेटा ट्रांसफर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, जिसके जरिए आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों बॉक्स के साथ, और कुछ है नहीं आप जैसे कि देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपका जो फ़ोन है ये, इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं, क्या वेरियंट है और क्या कैसे कितने प्राइस में आप इसे परचेस कर पाएंगे, कहाँ से परचेस कर पाएंगे। तो ये रहा मेरा मेन फ़ोन पोको X5 Pro 5G जो सेट है। अगर हम इसे एक हाथ में यूज़ करते हैं तो हैंडी है, एकदम काफ़ी हाथ के साइज़ के अंदर आ चुके हैं। तो मेरे हाथ थोड़े लंबे हैं, इजीली आ रहे हैं, लेकिन जिसका हाथ छोटा है वो आराम से इसे कैरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो साइड व्यू है, कुछ इस तरह से दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर है, प्लस ये ऑन ऑफ बटन पावर बटन पे दिया है। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दिया गया है, ये तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। उसके बाद इस तरफ में देखते हैं, कुछ है नहीं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं स्पीकर दिया गया है, ये Type-C चार्जिंग केबल पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और साथ में यहाँ पर सिम एजेक्ट और इंसर्ट, यहाँ पे आप इसे सिम को इंसर्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ बात कर लेते हैं दोस्तों, पोको का ब्रांडिंग किया गया है यहाँ पे, इसका जो भी डिटेल्स है दिया गया है। साथ में आप जो कैमरा है, मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल, एक LED फ्लैश दिया गया है। और यहाँ तीन कैमरा है, 108 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल है, यानी 8 मेगापिक्सल। तो यही था इसका जो पीछे का लुक है। कलर इसका बात करें तो ग्लॉसी है, आप देख सकते हैं तो बहुत सारा ग्लॉसी है, शाइन कर रहा है कलर, काफ़ी अच्छे लुक दे रहे हैं इस फोन को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो डायमेंशन, इसका डायमेंशन वाइज बताएंगे तो आपको ये इसका जो विड्थ है ये 76.03 mm है। हाइट का बात कर लेते हैं, इसका हाइट आपको मिलेगा 162.91 mm। इसके बाद इसका जो डेप्थ है 7.9 mm है। वेट का बात कर लेते हैं तो इसका वेट जो है आपको कम से कम 175 to 180 ग्राम, मतलब अगर आप देखेंगे कैरी करने के लिए बहुत ही ईजी है, वेट वाइज ज़्यादा वेट नहीं है। आजकल के हिसाब से जो भी फोन आप मार्केट में मिलते हैं काफ़ी अच्छे वेट के साथ ये दिया है। अब बात करें इसका जो मॉडल है, आप इसे पोको X5 Pro, अब आपको ये दो वेरियंट में मिल जाता है। अगर कलर का बात करें तो कलर आपको तीन कलर वेरियंट में आपको इसको मिलेगा। एक वेरियंट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जो कि हम इसे हॉराइजन ब्लू कहते हैं, दूसरा हो गया आपका एस्टर ब्लैक, और तीसरा कलर हो गया येलो। तीन कलर वेरियंट के साथ आपको ये फोन मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका रैम एंड इंटरनल मेमोरी का, तो इसको दो वेरियंट में आपको ये मोबाइल फोन आपको मिलता है। एक है 6 GB रैम के साथ 128 GB और
8GB रैम के साथ 256GB मेमोरी इंटरनल मेमोरी के साथ आपको ये फोन मार्केट में अवेलेबल होगा। अब बात कर लेते हैं इसका डिस्प्ले का। इसका जो डिस्प्ले साइज है आपको ये 6.67 इंच का आप देख सकते हैं, जैसे कि फुल HD डिस्प्ले है, 10 बिट एमोलेड HDR प्लस डिस्प्ले, 126 एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। अगर आप बात करें तो हम जैसे एक बार हम लोग ऐसे वाओ व्हाट ए डिस्प्ले, मतलब ये फ़ोन आपके लिए अगर आप मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए परचेस कर रहे हैं तो इसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो मेन चीज़ है, जो इस प्रोडक्ट का जो खासियत है, किस लिए आप इसे परचेस इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, वो है कैमरा। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है लेकिन आप अच्छा एक कैमरा चाहते हैं, आप ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये कहने के ही इस बजट में इसका जो कैमरा है काफ़ी अच्छा दिया है। तो इसका जो कैमरा है दोस्तों, बैक कैमरा आप देख सकते हैं 3 कैमरा है। इसका जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल, इसके बाद है 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है आपका 108 मेगापिक्सल जो मेन कैमरा है, ये कैमरा का वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम डे लाइट में इसका शूटिंग कर रहे हैं, डे टाइम में आप देखते हैं बाहर में जितने अच्छे लाइट है, सारे चीज़ है, सैचुरिटी बोलेंगे तो एकदम 100% दिखा रहा है। जो भी कलर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का है वही आप कैमरा में देख पा रहे होंगे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसका जो माइक्रो लेंस है इसी के बारे में। तो देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये जो कैमरा है, इस कैमरा के आप वीडियो यहाँ पे शॉट देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी सही है कैमरा एकदम, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा लाइट है, डे लाइट है, नॉर्मल लाइट है, सारी चीज़ आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं इसका जो आखिरी जो लेंस है, और ये जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा वाइड एंगल जो स्क्रीन है कैमरा, वाइड एंगल इसका वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी वाइड लेता है, जो आपका जो मतलब आपका जो एरिया कवरेज आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा है इसके। तो यही था इसका 3 कैमरा जो आपको वीडियो पर देखिए, आप प्रैक्टिकली आप इसके हिसाब से आप अपने खुद डिसाइड करें इसका जो कैमरा क्वालिटी कैसे है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। और आप बात कर लेते हैं इस कैमरा का सेल्फी कैमरा जो हम बोलते हैं, जो कि इस कंपनी की तरफ से 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो ये रहा मेरा वीडियो, आप देख सकते हैं कैमरा में स्क्रीन में काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। सैचुरेशन भी, कलर यहाँ पे, लाइट और जो भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में एकदम काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी क्वालिटी वाइज बेस्ट है। वीडियो रेजोल्यूशन इस कैमरे में आपको 4K 30fps स्पीड में और 1080p एट 60fps फ्रेम रेट में आपको मिल जाएंगे। डिजिटल जूम अप टू 10x, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो डिजिटल जूम अप टू 10x, फ्रेम रेट 60fps एंड 30fps फ्रेम रेट के साथ आपको ये मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, मोबाइल फ़ोन अगर परचेस कर रहे हैं तो इसका जो बैटरी है, कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंतित रहते हैं बैटरी कितना है, कितना दिन जाएगा। तो जी दोस्तों, इस बजट में इस कंपनी ने जो बैटरी दिया है काफ़ी अच्छा दिया है, 5000mAh बैटरी है। अगर आप हैवी यूजर हैं आपके लिए काफ़ी, एक दिन के लिए सफिशियंट है। अगर आप मीडियम या तो मिड रेंज यूजर है तो कहीं ना कहीं 2 दिन आपके लिए हो जाएगा, एक दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छे बैकअप देने वाला है 5000mAh बैटरी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका प्रोसेसर का। प्रोसेसर यहाँ पे जो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है। मतलब अगर आप गेम खेलते हैं तो कहीं ना कहीं लैगिंग वगैरह ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं, काफ़ी स्मूथली एक्सपीरियंस देने वाला है आपको। साउंड का बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डॉल्बी डिजिटल साउंड दिया गया है, आप इसे इसके साथ आप डॉल्बी डिजिटल साउंड के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड 12 दिया गया है और यूजर इंटरफेस आपको MIUI 14 जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। अब क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी हैवी है तो चलिए एक तो टेस्ट कर लेते हैं इसका मल्टीटास्किंग कैसा है, मल्टीटास्किंग होने वाला एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कई सारे एप्लीकेशन हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे बैक जाते हैं, एक और क्रोम हम ओपन कर लेते हैं और फिर और एक हम यहाँ पे एक ऐप ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे ऐप हमने यहाँ पे ओपन किए हैं, आप देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लैगिंग नहीं हो रहा है। जो भी आप जिसका जो डिस्प्ले रेट है, देखिए आप डिस्प्ले है काफ़ी अच्छे हैं, कहीं भी लैगिंग नहीं है, आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं, 3-4 काम एक साथ आप इसके साथ कर सकते हैं इस प्रोसेसर के साथ। इसका जो डिस्प्ले है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो ब्राइटनेस है ये फुल्ली है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे डेलाइट में हम इस फोन को यूज़ कर रहे हैं, विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छे दे रहे हैं लुक वाइज। अगर आप इसे यूज़ करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए या तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए तो काफ़ी अच्छे देने वाले हैं, या तो डेलाइट या तो
इंडोर में। इसका जो डिस्प्ले है 32 बिट एमोलेड डिस्प्ले एचडीआर प्लस डिस्प्ले है 126Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ। ये फोन मैंने आपको दिखाई दिया सारे चीज। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है, फोन आप कहाँ से परचेस करेंगे? मैं अनबॉक्सिंग करने का टाइम आपको मैं बॉक्स दिखा दिया था, आप इसे फ्लिपकार्ट में परचेस कर सकते हैं जो कि आपके तीनों वेरिएंट में मिल जाएगा। अगर फोन आपके लोकल मार्केट है तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और इसका प्राइस का बात करें दोस्तों तो आपको दो वेरिएंट है, 6GB 128GB का जो इंटरनल मेमोरी जो वेरिएंट है ये आपको 23,000 में फ्लिपकार्ट में मिलेगा, और दूसरा जो है 8GB 256GB के इंटरनल मेमोरी के साथ वो आपको 25,000 प्राइस में आपको ऑनलाइन में अवेलेबल है। इसके साथ अगर आप ऑनलाइन ऑफर आते रहते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से और कुछ परचेस करते हो तो कहीं आपको और कई सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं। आज का वीडियो यही है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल तो लाइक चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।